आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा निकाह तो पहले ही हो गया था, लेकिन कल ना साहब जी ने मुझे अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। अब तू देखना हमारे अच्छे दिन आने वाले। दिन आने वाले नहीं अम्मा, हमारे अच्छे दिन आ चुके। तुम्हें वहां जाना चाहिए। किस लिए जाऊं और किसके लिए जाऊं? वो जब मेरे नहीं रहे। मासूमा क्या हो गया तुम्हें? वो घर तुम्हारा है। ये गलतफहमी मुझे भी थी। दादो रुक जाए ना दादो, आप तो कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। आपका बिलाल अकेला हो चुका है, मामा भी चली गई, भाई भी चले गया। देखा कैसे मेरा तुम्हारा शौहर हथिया लिया और तुम कुछ भी नहीं कर सकी। भाई अहमद सिर्फ मेरे हैं। दूर रहो मेरे शौहर से। ये मेरे शौहर है। तुमसे ताल्लुक तो कब का खत्म कर चुके हैं, याद नहीं? कैसे धक्के देके तुम्हें उस घर से निकाला था। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम जहां जाना चाहती हो, जहां रहना चाहती हो, जा सकती हो। अहमद, मेरा और बिलाल का भी इससे कोई रिश्ता नहीं। किसी और के नहीं हो सकते, और के नहीं हो सकते, मैं किसी और के नहीं हो सकते। किसी के भी नहीं हो सकते हैं। मासूमा मर चुकी है तुम उसके लिए, जनाजा पढ़ा चुका है वो तुम्हारा, पता नहीं किसे दफनाया तुम्हारी जगह। और फराज और क्या? सीना से निकाह कर लिया उसने। आप मेरा यकीन करें। सच पूछो तो मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं रहा। तुम ठीक कहती हो, अहमद मेरे नहीं है। बिलाल तुमसे प्यार करता, उसे तो कोई प्यार भी नहीं करता। किसके लिए जिंदा? मुझे तुम्हारे जाना चाहिए। दर्द 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 दर
मासूमा 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 मासूमा, या अल्लाह ये क्या हरकत की है तुमने? भाभी हिना भाभी जल्दी ऐसे नस काट ली अपनी, या अल्लाह ये क्या कर लिया इसने? नब्ज काट ली अपनी, मैं ये पकड़ के रखे यहां से इसको। भाभी ये बेहोश हो गई है, मैं कॉल करके उसको एम्बुलेंस को बुलाता हूँ, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, नस बच गई है, मैं प्रेसिंग कर देती हूँ। भाभी कब से बेहोश पड़ी हुई है, पता नहीं कितना खून बह गया होगा इसका। ज्यादा नहीं बहा होगा खून, ज्यादा जख्म गहरा नहीं है। मेरे रूम से जाके फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। पता नहीं ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, अच्छा मैं लेकर आता हूँ। क्या कर लिया इसने? कसम से जितनी ईमानदारी मैंने कमीनों में देखी ना, कहीं नजर नहीं आई। उठाइए और निकल यहां से, और अपने ये फलसफे ना अपने पास रखा कर। हाँ हाँ जा रहा हूं मैं, वैसे भी कौन सा यहां मैं रुकने आया हूं। और हाँ, तेरा मेरा हिसाब खत्म हो गया, आज के बाद अपने ये मुंह उठा के ना तेरे पैसे मांगने नहीं आना, समझा? वारे प्यारी नागन, तू क्या चाहती है कि तू ही सारे खजाने पे कुंडली मार के बैठना चाहती है? बात सुन, ये मैं होने नहीं दूंगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ी मैं जरूर आऊंगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जब बंदों को जरूरत होती है ना, वो अपनों के पास ही जाता है। आई समझ? निकल चल। देख हसीना, अगर मैंने तुम्हारा भरम रखा हुआ है ना, तो अपनी औकात से बाहर मत निकल, तुम्हारे हाथ के साथ साथ ना मैं तुम्हें भी काट डालूंगा। आई समझ? रुक जा, मुझे लगता है अहमर आ गई। तू इस वाले दरवाजे से निकल जा, चली जा, भाग। अनमोल, बिलाल साहब अभी बच्चे हैं, वो बहुत अकेले पड़ रहा है, आप उनका ख्याल रखा करें। छोटी बेगम साहिबा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे गई हैं आपको। हम सब मिलके बिलाल का ख्याल रखते रहें। ख्याल रखना अलग बात है, तवज्जो और मोहब्बत देना अलग बात। बिलाल। मासूमा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें होश आ गए, डरा दिया था तुमने मुझे। जिंदगी नेमत है, इसकी कदर करें, यूं बेकार में जाया मत करें। शनो, बिलाल कहाँ है? साहब वो छोटे साहब अपने कमरे में है। साहब जी, शनो कुछ कहना है आपको? जी कहें। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं तुझे अभी लिख के दूँ, दस्तखत करके दूँ कि इस बुढ़िया को मार दो? साहब जी, बड़ी बेगम साहिबा बिस्तर पर है और छोटी बेगम साहिबा मिट्टी में जा मिली। बिलाल साहब अभी बच्चे हैं, वो बहुत अकेले पड़ गए, आप उनका ख्याल रखा करें।
छोटी बेगम साहिबा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे गई है आपको। हम सब मिलके बिलाल का ख्याल रखते रहे। ख्याल रखना अलग बात है, तवज्जो और मोहब्बत देना अलग बात। आपको पता है सुबह से बिलाल साहब ने कुछ नहीं खाया। अगर छोटी बेगम साहिबा होती तो क्या ऐसा होना मुमकिन था? बिलाल। मासूमा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें होश आ गया, डरा दिया था तुमने मुझे। जिंदगी नेमत है, इसकी कदर करें, यूं बेकार में जाया मत करें। अपना नहीं तो अपने बेटे का सोचें। बेटा जो पहले मुझसे छिन चुका है, शौहर दूसरा घर बसा चुका है। हाँ ये सब कुछ तकलीफ दे है, लेकिन बुजदिलों की तरह हिम्मत हारने के बजाय को लड़ना चाहिए। चांद को देखा है कभी? जब उस पे अमावस आ जाती है वो अंधेर हो जाता है, तो क्या फिर वो चमकता नहीं है? वो चमकता है मासूमा, बात सिर्फ यकीन की है। साहब जी ये आप क्यों काम कर रहे हैं? ये मुझे दें, ये आपके करने की काम थोड़ी, मैं करूंगी ना। बिलाल मेरा बेटा है और उसे काम करना मेरा फर्ज है, कोई बड़ी बात नहीं। साहब जी मेरी, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। ठीक है ना? हाँ भी था, बड़ी बड़ी बातें ना कर, ना चल इतना अकड़ के। लेकिन नहीं, तेरी समझ में कहाँ से आती है ये बात? अरे तेरे लिए ये तुरप का पत्ता है, तुरप का पत्ता है। अगर ये ना रहा ना तो तू भी कुछ नहीं रहेगी। अरे मैं तो कहती हूँ अभी से क्यों अपनी कैंचली बदल रही है, जरा जहर तो फैलने दे। बात सुन, ये अहमर बिलाल, बिलाल अहमर, एक ही चाल के दो रुख हैं, क्या समझी? अगर तुझे इन्हें जीतना है ना तो दोनों को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाना होगा, पागल नहीं तो। मामा कह तो सही रही हूँ, मैं देखती हूँ करती हूँ कुछ। पता नहीं कब समझेगी ये लड़की, ना दिमाग चलता ही नहीं है इसका। मामा कहाँ है आप? मुझे भूख लगी है। बिलाल, बिलाल, बिलाल।
बिलाल, मासूमा, बिलाल मुझे 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 बुला रहा है। मां क्या हो गया, क्या हो गया उसको? उसको मेरी मेरी जरूरत है। मैंने कोई ख्वाब देखा है? नहीं नहीं, बिलाल मुझे बुला रहा है। वो उसकी वहां कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। वो रोता रहता है। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी। मुझे बुला रहा है, मुझे प्लीज जाने दो। अभी बिलाल सूप पिएगा। क्या हुआ, नाराज हो बाबा से? बिलाल, बिलाल मेरी बात सुनिए। क्या हो गया आपको, हाँ? अभी तक नाराज है बाबा से? खाने से क्या नाराजगी आपकी? आप बाबा से नाराज है ना सिर्फ? अगर आपकी मामा होती तब भी आप ये सब करते? अगर मामा होती ये सब नहीं होता। अच्छा ठीक है, आप बाबा से नाराज होते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो खाना खा लो, तब मजे का सूप लाए आपके लिए। नहीं, आपकी नाराजगी मुझसे है तो मुझसे मत खाओ। मैं शन्नो को भेज दूं, उनके हाथ से तो खा लोगे ना, वो तो आपकी फ्रेंड है। बिलाल, बिलाल, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। यूं तबाह हाल इस तरह वहां जाओगी ना मासूमा, तो पहले ही वार में हसीना तुम्हें जेर कर देगी। चालबाज से शातिर बन के मिले ताकि वो तुम्हें हरा ना सके। तुम्हें पता है जिंदगी कभी कभी इंसान के सामने मुश्किल हालात इसलिए पेश करती है ताकि वो नाकामी से जीतना सीखे। और हारने वाला इंसान रोते रोते अपनी मौत को याद करता है, जबकि जीतने वाला मौत के मुंह से जिंदगी को छीन के ले आता है। मासूम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी तरह से टूट चुकी हो तुम, लेकिन बिखरी नहीं है, और ना ही तुम किसी को इस बात की इजाजत दोगी कि तुम्हें बिखेर सके। औरत देखने में जितनी नाजुक होती है ना, अंदर से उतनी मजबूत होती है, एक चट्टान की तरह, इतनी मजबूत कि अगर उससे कोई भी टकराए तो वो पाश पाश हो जाए। तुम्हें भी हसीना और उसकी चालों को पाश पाश करना है। और एक बात तो तुम भूल ही गई, यू आर अ स्पोर्ट्स वूमन। अगर तुम हारना जानती हो तो जीतना भी तुम्हारी गुट्ठी में शामिल है, इसलिए अपने अंदर की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जगाओ और जाके हरा दो हसीना को। ठीक कह रहे हो फराज, मुझे अपना घर बचाने के लिए मजबूत बनना होगा। मुझे जीतना है, अपना घर, अपने रिश्ते और अपना मकाम दोनों को बचाने के लिए, जो हसीना की चालाकियों की भेंट चढ़ चुके हैं। एक एक चीज मैं उससे वापस लूंगी, एक एक चीज का मैं उससे बदला लूंगी। जानती नहीं है मुझे भी वो। साहब जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, उसने खुद मुझे गाली दी है, और अभी आपने ही तो कहा है बदल गया है वो। इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। साहब जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, प्लीज तुम जाओ यहां से। हसीना, तुमने जो किया बुरा किया, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी तुम पछताओगी, बुरी तरह से कोसोगी उस लम्हे को जब तुमने अहमद को मुझसे छीना। मैं वो हसीना जो चाहे कर जाऊं।
नहीं प्लीज प्लीज ये मत करो। जानती हूँ साहब जी, कमी कमीन हूँ, लेकिन ये औकात नहीं भूली हूँ। देखो मुझे ये सब नहीं पसंद, प्लीज तुम खड़ी हो जाओ। तुमने जिस तरह से सब कुछ संभाला है, मैं अकेला होता तो ये सब ना कर पाता, और तुम ना होती तो सब बिगड़ जाता। बिजनेस, घर, सब कुछ ठीक से चल रहा है तुम्हारी वजह से। और इस तरह से तुमने बिलाल की जिम्मेदारी ली, थैंक यू। जी साहब जी, मैं तो चाहती हूँ कि जैसे पहले छोटे साहब का ख्याल रखती थी ना, बिल्कुल वैसे ही उनका ख्याल अब भी रखूं। लेकिन वो इतने बदल गए हैं, इतने बदतमीज़ हो गए हैं, बात बात पे ना गुस्सा करते हैं, मेरी कोई कही भी बात सुनते ही नहीं है, कोई कहना नहीं मानते, पता नहीं किस तरह के बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं। हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, पहले सिर्फ ज़िद करता था, बदतमीजियाँ भी करना शुरू कर दी उसने। हाँ ना, अभी देखिए दूसरी दफ़ा खाना लेके गई थी उसके लिए, उसने वो खाना भी उठा के फेंक दिया। उसके हाथ में जो भी चीज़ आती है ना, वो रख के मारता है मेरे मुंह पे, तो गालियाँ भी देना शुरू कर दी उसने। What? नहीं नहीं, फिलहाल गालियाँ नहीं देता, उसे तो सब चीज़ों का नहीं पता। साहब जी मैं झूठ क्यों बोलूँगी, उसने खुद मुझे गाली दी है, और अभी आपने ही तो कहा बदल गया है वो। इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। साहब जी आप बिल्कुल परेशान ना। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मेरी ज़िंदगी पर छाए अंधेरे जो हसीना के देन थे, वो अंधेरे में मिटा दूंगी। हसीना तुमने जो किया बुरा किया, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ करूंगी तुम पछताओगी, बुरी तरह से कोसोगी उस लम्हे को जब तुमने अहमद को मुझसे छीना, मुझे घर से बेघर किया। मैं साथ हुई जाति का गिन गिन कर बदला लूंगी तुमसे। मैं मासूमा अहमद कसम खाती हूं कि तुमसे अपना घर, शौहर और खोया हुआ मकाम वापस लेकर आऊंगी।
तुम किधर? ये क्या कर रहे हो बेटा, पागल तो नहीं हो गए कहीं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, निकले मेरे घर से, आप मेरी मामा नहीं है। पागल तो नहीं हो गया कहीं? अरे जाए आप यहाँ से। हुआ क्या है तुझे ये करनी? तुम क्या कर क्या रही है? तुम जाओ यहाँ से। ये तेरे बाप का घर है जो मैं यहाँ से जाऊँ, और मुझे इस घर से निकालने वाले ना मर गए कब के, समझा तू? ये मेरा घर है। Shut up! तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा और मेरे बाबू और मेरे दादू का घर है, ये तुम्हारा घर है ही नहीं, तुम सिर्फ एक मेड हो। मेरे फ्रेंड सही कहते हैं, ऐसी मेड को तो उठा के फेंकना चाहिए घर से। I said, get out! निकलो यहाँ से। रुक जा जरा, अभी तेरा इलाज करवाती हूँ, तेरे बाप को पता चलेगा ना फिर तुझे बताएगा वो आके, रुक जा जरा। कितने साहब जी, अभी बताती हूँ। बहुत जबान चला रहा है ना मुझसे। हेलो, तुम जाओ यहाँ से, मैं कब से कह रहा हूँ तुम्हें, निकलो ना। साहब जी ये देखिए, छोटे साहब इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे गालियां भी दे रहे हैं, आप सुने जरा, सुने कितनी बदतमीजी कर रहे हैं ये। साहब जी ये क्या कर रहे हैं? निकलो ना, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आता है? साहब जी देखिए, कमरे का सारा सामान तोड़ दिया इनको, पता नहीं क्या हो गया, इतनी गालियां भी दे रहे हैं मुझे। जाओ। जी साहब जी, जी जी जी, खुदा हाफिज। आ रहा तेरा बाप, अभी आके बताता है तुझे, तेरी सारी बदतमीजी निकालेगा वो। तुम जाओ यहाँ से, तुम एक मामूली सी मेड हो, निकलो ना यहाँ से। छोटे साहब इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे गालियां भी दे रहे हैं आप। ये किसका फोन है? हेलो शन्नू, मैं मासूमा। बेगम साहिबा, आप जिंदा हैं? एक मिनट, जी बेगम साहिबा बोले। शन्नू तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं जिंदा भी हो सकती हूँ? जी बेगम साहिबा, बेगम साहिबा आपका तो इंतकाल हो गया था, और साहब ने आपको दफनाया भी था। तुम्हारे साहब के लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन उन्होंने मुझे उस घर से जाने को कहा था। और रही बात दफनाने की, तो जिंदों को दफनाया नहीं जाता। शुक्र है जी, शुक्र है आप जिंदा हैं। हमेशा मेरे दिल से ना यही दुआ निकलती थी कि कहीं से बेगम साहिबा जिंदा होकर वापस आ जाएं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे ये सोचती थी कि कोई मर के भी वापस आ सकता है क्या। बेगम साहिबा आपको वापस आना होगा, आपको पता है इस घर में आप कुछ भी ठीक नहीं है। बिलाल साहब की जान फंसी हुई है, और इस कमज़ोर हसीना ने बिलाल साहब को बहुत तंग करके रखा हुआ। बड़ी बेगम साहिबा भी बिस्तर से लगी हुई हैं। और अहमर वो कैसे, क्या हसीना का जादू? हसीना का जादू चारों तरफ फैला हुआ है। बेगम साहिबा अगर आप चाहती हैं ना कि ये घर तबाह होने से बचे, तो आपको जल्द से जल्द इस घर में वापस आना होगा। मैं जरूर वापस आऊंगी, लेकिन उस वक्त जब अहमर खुद मुझे लेने आएंगे। तुम अगर चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी बोले। ये काम किया है ना तूने? अरे ऐसे ही बाप बेटे के दरमियान ना जंग लगाए रख,
और खुद बैठ के आराम से मक्खन खा। बात सुन, ये बाप बेटा जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे ना, अहमर पर तेरा जादू उतना ही चलेगा। और वो तो वैसे भी अपनी बीवी के दुख और माँ की बीमारी की वजह से बिल्कुल टूट चुका है। अब जरा सोच, अगर उसका बेटा भी उसके मिजाज की वजह से उससे दूर हो गया तो उसके पास कौन रहेगा? तू और कौन? और टूटे हुए मर्द को ना औरत जहां चाहे हांक ले, उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। बस कर दो अम्मा, हर वक्त ना मुझे पट्टियां नहीं पढ़ाया करो। ये जो पट्टियां पढ़ाती हो ना मुझे, ये अपने मशवरे अपने तक रखा करो, सही है? ऐवें नहीं, इतनी बड़ी हवेली पे मैंने कब्जा किया है, सब आता है मुझे बहुत अच्छी तरह से। कुछ तो अकल है ना मुझ में, तभी मैंने ये किया है। हर वक्त अपने पता नहीं उल्टे सीधे मशवरे दे रही होती हो मुझे, खराब करके रखा हो। मुझे ज्यादा बेहतर पता है भाई करना क्या है क्या नहीं। ना बात सुन, माँ हूं मैं तेरी, कोई गैर नहीं हूं। बस माँग ही नहीं मिलते हैं इस लड़की के। तो मेरे तीर ना बिल्कुल निशाने पे लग रहे, तो कालियां भी देने लग गया भाई। साहब जी रुकिए, मेरी बात तो सुने। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? साहब जी मेरी बात तो सुन लेते। मुझे लगा था कि हमने आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हम सबकी तरबियत को भुला के आपने हसीना को गालियां दे दी। मुझे मेड पर गुस्सा आ गया था। मेड नहीं है वो, अब इस घर का एक हिस्सा है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। वो मेड है, इस घर का फर्द नहीं है, कमीनी। विलाल बिहेव योरसेल्फ, बदतमीज। अब आपके मुंह से गाली ना सुनूं मैं, कमीनी। तुम्हारा दिमाग ऐसे ठीक नहीं होगा। मेरा दिमाग ठीक है बाबा, जिससे मॉन्स्टर को घर में रखना ही नहीं चाहिए। बिलाल बस कीप क्वाइट। क्यों चुप हो जाऊं, ये ही कमी नहीं। बदतमीज। साहब जी तुम्हें ना मैं बस कर दें। साहब जी बच्चा है, क्या हो गया आपको? बच्चा ही? तुम देख रही हो कि कितने बदतमीज हो गया ये, बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुका है। प्यार की बात समझ में नहीं आ रही इसे, मैं कब से इसको समझा रहा हूं। तुम ना, तुम अब समझने की रेंज से बाहर हो गए। तुम्हारी सजा पता है क्या? अब तुम मामा की तरह अपने बाबा से और इस घर से दूर चले जाओगे। दादो की शक्ल देखने को तरसोगे तुम। नहीं नहीं साहब जी, इस वक्त आप गुस्से में ना, कोई गलत फैसला ना हो जाए कहीं आपसे। ये फैसला गलत हो या सही, अब फैसला ले चुका हूं। तुम अब बोर्डिंग जाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दिस हाउस एनीमोर। समझे? बोर्डिंग जाओगे तुम? नहीं जाऊंगा मैं। इतने थप्पड़ पड़े हैं फिर भी नहीं सुधर रहे। Thank you.